जब भी डॉक्टर के पास जाओ उससे एक सवाल पूछो, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी की दवाई दे रहे हो या बीमारी होने की जड़ की दवाई दे रहे हो। अगर कोई भी दवाई, गैस की दवाई, एसिड की दवाई, बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, कोई भी गोली एलोपैथी में अगर आप लंबे समय तक खाते हो उसके साइड इफेक्ट आपके सारे शरीर पर आते हैं। तो सारे शरीर में जेनाइटल ऑर्गन्स भी इंक्लूड हैं। जब लीवर पे आ रहे हैं, किडनी पे आ रहे हैं, तो आपकी सेक्स क्षमता पे भी आएंगे ही आएंगे। तो ये तो आप भूल जाओ कि एलोपैथी की तो हर गोली के साइड इफेक्ट। जब भी डॉक्टर के पास जाओ उससे एक सवाल पूछो, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी की दवाई दे रहे हो या बीमारी होने की जड़ की दवाई दे रहे हो, मतलब बीपी की गोली खा रहे हो, चाहे शुगर की खा रहे हो, चाहे थायराइड की खा रहे हो, चाहे गैस तेजाब की खा रहे हो, चाहे सिरदर्द की खा रहे हो, साफ साफ सवाल पूछो कि बीमारी की दवाई है या बीमारी को दबाने की दवाई है या बीमारी को भगाने की दवाई है। आप उसी टाइम समझ जाओगे कि किस पैथी में आपको इलाज कराना है। और इलाज मिलेगा आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी को भी पकड़ता है, बीमारी हुई क्यों को भी पकड़ता है, और भविष्य में इस बीमारी की वजह से बड़ी बीमारी ना आए उसको भी पकड़ता है। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन टेंस सुने ना आपने, तो आयुर्वेद तीनों टेंस पर एक साथ काम करता है। बीमारी हुई उस पर, बीमारी की वजह से बड़ी बीमारी ना आए, और बीमारी अभी जो चल रही है उसके सिम्टम पर भी काम करता है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।